बिहार चुनाव में महिलाओं की भी काफी समस्याएं हैं। इस बीच अब हम महिलाओं के बीच पहुंच चुके हैं, आइए जानते हैं कि इस बार चुनाव में महिलाओं का रुझान किस पार्टी की ओर है। आपके बीच इस बार एक महिला कैंडिडेट खड़ी है, आप क्या चाहेंगे कि किस तरीके का विकास आपके गाँव में हो? जो देना है सो दीजिएगा, हम क्या बोलेगा है? ककरा वोट देबो से? मोदी सरकार के। गांव में विकास है, गांव में सड़कें हैं, घर हैं, क्या चाहती हैं? घर तो नहीं है, टुटली मरैया है, जो दो कोठा दो, सोफा दो, पैसा दो, ऑन दो, जो खाना देगा सही न लेगा है कि वही तो गुजर कटाता है। बाथरूम अभी तक मिले नहीं क्या ला? आप किस पार्टी को समर्थन करती हैं? की कहो बीजेपी के? जी बीजेपी के, हमरा कहियो ना होइए। देखिए आजादी के बाद पहली बार ये क्षेत्र से ठीक एक महिला कैंडिडेट आई है, हम उनको सपोर्ट करेंगे। और उनके जो हैं ससुर जी वो यहाँ से MLC रह चुके हैं, उन्होंने काफ़ी विकास किया, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है सो घर घर में बिजली है, पानी है, ठीक है, घर गैस है, यहाँ के जो बच्चे थे वो बाहर जाते थे, काफ़ी 20 किलोमीटर मतलब पैदल चलते थे, टाइम था पढ़ने के लिए, लेकिन आज नज़दीक में स्कूल है, हॉस्पिटल है, कॉलेज खुलने वाला है, दरभंगा में एम्स खुलने वाला है, तो इसके लिए जो उसके लिए आप निश्चिंत रहे कि वो विकास करेंगी कि ना करेंगे। अगर वो विकास नहीं करती, वो उस टाइप का अगर कैंडिडेट ना होती तो उनको टिकट नहीं मिलता। सवर्णा सिंह को हम लोग जानते हैं, भाई मुकेश की तरफ से खड़े हैं, और हमारे महिलाएं भी खूब अच्छी तरह जानते हैं, और ये बात हमारे गांव की ही नहीं है, हमारे पूरा प्रखंड की है। जय श्री राम, जय श्री राम। और हम भारत सरकार से आग्रह यही करेंगे कि हमारी शिक्षा नीति चौपट हो गई है, संभव हो तो इन बच्चों को कैसे पढ़ाई कर सके, ये बच्चे हाई स्कूल में पढ़ने लायक नहीं है, प्राइवेट स्कूल में पढ़ने लायक नहीं है, इनको कैसे शिक्षा दी जाए, हम शिक्षा की मांग करते हैं। जैसा कि सुना आपने, सीट पर पीएम मोदी के प्रेमी ज्यादा हैं, यानी कि NDA का पक्ष यहाँ मजबूत होता दिखाई दे रहा है। लोगों का साफ कहना है अगर पीएम मोदी दोबारा इस क्षेत्र में स्वर्णा सिंह को मौका दिया है, अगर स्वर्णा सिंह इस क्षेत्र में आती है, चुनाव जीतती है, तो शिक्षा नीति बेहतर होगी।